डियर स्टूडेंट, मैं दुलाचंद का स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, हम लोग बना रहे हैं क्लास फाइव का मैथ और इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नाइन, ये चैप्टर थ्री में है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, घटाव है, सब्ट्रैक्ट जिसको बनाना है हम लोगों को। और ये बहुत ही आसान होता है। आपको मैं बता दूँ कि ये एक टीचर के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन वही चीज़ एक स्टूडेंट अगर बनाए तो उसको मुश्किल फील होता है। इसीलिए सभी जो जितने भी मैथ हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप जानते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं ये सारे मैथ जो है आपको बना के दे रहा हूं। तो हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। थ्री में से वन टू हो गया, नाइन में से वन एट, एट में से थ्री फाइव, और जीरो में से जीरो तो जीरो हो जाएगा। सिक्स में से टू फोर, और फाइव में से वन फोर, ये हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर टू, तो ये आसान नहीं है, ये आसान था। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेने के लिए हम लोग यहाँ चाहिए कैरी, यहाँ गए नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पे मिला। तो यहाँ से कैरी यहाँ तक चलेगा तभी ये माइनस होगा। जब ऊपर में छोटा हो नीचे बड़ा हो तो कैरी लेना पड़ता है। तो यहाँ से कैरी लेते हैं तो ये एक कम हो जाएगा, कैरी एक तो लिया जाता है, कभी भी दो नंबर आप इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सिक्स, और यहाँ पे चला, यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे आ जाएगा नाइन। यहाँ नाइन, यहाँ नाइन, यहाँ पे भी नाइन, और यहाँ पे आ जाएगा वन, और ये पहले से है जीरो, हो गया टेन। तो टेन में से फोर सिक्स, ये कंप्लीट। और नाइन में से फाइव तो फोर हो जाएगा, और यहाँ पे नाइन में से जीरो हो जाएगा तो नाइन रहेगा, नाइन में से एट वन, और सिक्स में से थ्री तो ये हो गया थ्री, फाइव में से वन फोर, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ टू में से एट, ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी इससे लेंगे तो ये हो गया सेवन, ये सेवन हो गया, और यहाँ पे वन आ गया, ये टू है पहले से तो ये ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से एट फोर, और सेवन में से जीरो जाएगा तो सेवन बचेगा, थ्री में से फोर, अब यहाँ पे घटने वाला नहीं है तो यहाँ पे कैरी लेने के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं है यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से हमको कैरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता जहाँ नहीं है वहाँ नाइन बचेगा, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ वन आ गया, और पहले से है थ्री। तो यहाँ पे थर्टीन में से फोर जाएगा तो बच गया आपका नाइन, नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ठीक है, ये नाइन बचेगा। और नाइन में से वन जाएगा तो बच जाएगा एट, फाइव में से सेवन जाने वाला नहीं है तो यहाँ से हम लोग लेंगे कैरी, यहाँ से मिलने वाला नहीं है यहाँ से लेंगे, और यहाँ हो जाएगा एट, यहाँ पे आ सकता नहीं है इसलिए यहाँ नाइन रहेगा, और यहाँ पे वन आ जाएगा। फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन में से सेवन तो फिर एट बचेगा, और नाइन में से वन जाएगा तो एट बच जाएगा, और एट में से टू तो सिक्स, ये हो गया सिक्स, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, अब यहाँ पे ये जीरो है और ये टू, तो कैरी लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, यहाँ से कैरी लेते हैं, ये हो गया सिक्स, ये सिक्स बच गया, वन कम हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया वन जीरो टेन में से टू तो एट बच जाएगा, और सिक्स में से वन फाइव, अब सिक्स में से सेवन तो ये तो होने वाला नहीं है तो यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ हो जाएगा फोर, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है इसलिए यहाँ नाइन, क्योंकि टेन हुआ और यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ नाइन बच गया, और यहाँ पे आ गया वन, और ये सिक्स पहले से है, ये सिक्सटीन, सिक्सटीन में से सेवन चला गया तो बच जाएगा, सिक्सटीन में से अगर सिक्स चला गया तो टेन बचेगा, और सेवन चला गया तो नाइन बचेगा, तो ये हो गया नाइन, और नाइन में से फाइव चला गया तो फोर, फोर, और यहाँ फोर, फोर में से टू तो टू बच गया, थ्री में से नाइन जाने वाला नहीं है, यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ बच गया वन, और यहाँ आ गया वन, ये हो गया पहले से थ्री, थर्टीन हो गया, थर्टीन में से नाइन तो फोर, फोर बच जाएगा, यहाँ हो गया फोर, और वन में से वन तो ये खत्म हो गया, जीरो देने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग चलेंगे, ये है फाइव, फाइव और सिक्स क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट। ये थ्री, यहाँ पे थ्री है तो ये छोटा है, और यहाँ पे एट बड़ा है तो ये घटने वाला नहीं है, तो इसमें से हम लोग कैरी लेंगे, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, ये फाइव हो गया, और यहाँ पे वन आ गया, और पहले से है थ्री, थर्टीन हो गया, तो थर्टीन और उसमें से गया एट, बच गया फाइव, और यहाँ फाइव, फाइव में से जीरो तो फाइव बच गया, और फाइव में से एट ये जाने वाला नहीं है तो यहाँ से लिए कैरी, ये हो गया जीरो, जीरो, और यहाँ पे वन आ गया, ये फाइव हो गया, फिफ्टीन, फिफ्टीन में से एट तो सेवन बच गया, ये हो गया जीरो, तो जीरो में से थ्री तो जाने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से कैरी लेते हैं, तो यहाँ बच गया सेवन, यहाँ पे वन आ गया, ये हो गया टेन, टेन में से थ्री
सेवन बच जाएगा यहाँ पे, और सेवन में से नाइन जाने वाला नहीं है, यहाँ से कैरी हम लोग को नहीं मिलने वाला है, कैरी मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ एट बच जाएगा और यहाँ नाइन, यहाँ वन आ गया और सेवनटीन में से नाइन जाएगा तो एट बचेगा, एट हो गया यहाँ पे, नाइन में से सिक्स थ्री और एट में से सेवन वन, फाइव नंबर कंप्लीट हो गया। अब सिक्स नंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ आवश्यकता नहीं है यहाँ से कैरी होगा, तो यहाँ जीरो हो गया, ये पूरी तरह ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो यहाँ नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी नाइन, यहाँ भी, और लास्ट में वन आएगा और पहले जीरो है तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया टेन, टेन में से एट, टेन में से टू तो एट बच गया, नाइन में से जीरो तो नाइन, और नाइन में से थ्री तो सिक्स, और नाइन में से सिक्स तो थ्री, और नाइन में से सेवन तो टू बच गया, और नाइन में से एट चला गया तो वन बच गया, और यहाँ जीरो देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में चलेंगे, इसमें सेवन नंबर में और एट नाइन, तो सेवन नंबर में हम लोग को दिया हुआ है, इसको भी माइनस करना है, फाइंड द डिफरेंस, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको माइनस करने के लिए अगर इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं तो आसानी से हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से इसलिए हमने लिख लिया है, तो इसको माइनस करते हैं, फाइव में से जीरो तो फाइव बच गया, और यहाँ पे माइनस होने वाला नहीं है, यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ पे टू बच गया, और यहाँ पे हो गया टेन, में से वन चला गया तो नाइन, और टू में से एट जाने वाला नहीं है तो इसमें से फिर कैरी लिए, यहाँ बच गया वन और यहाँ पे वन आ गया, तो ट्वेल्व में से फोर, ट्वेल्व में से एट फोर, यहाँ पे वन, ये भी कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है जाने वाला नहीं है, तो वन में से फोर तो इसमें से लेना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया वन, तो यहाँ पर फोर, तो एलेवन में से फोर चला गया, कितना बचेगा सेवन, और यहाँ पे जीरो में से जीरो तो जीरो, और सेवन में से सिक्स वन, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाएंगे हम लोग इसमें एट नंबर में, तो एट नंबर में जीरो है, वन है, तो माइनस होने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे, तो कैरी यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे वन हो गया, और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे हो जाएगा नाइन, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे होगा टेन, टेन में से वन नाइन, नाइन में से फोर फाइव, और नाइन में से फाइव फोर, यहाँ पे वन में से थ्री माइनस होने वाला नहीं है तो यहाँ से मिलेगा कैरी, यहाँ पे हम करेंगे फाइव, और यहाँ आवश्यकता नहीं है तो यहाँ नाइन नाइन, और यहाँ पे एक आएगा इसके साथ तो एलेवन हो जाएगा, एलेवन में से थ्री तो हो जाएगा एट, यहाँ पे एट बच जाएगा, और नाइन में से टू तो सेवन, नाइन में से वन, नाइन में से वन तो एट, एट और ये फाइव में से टू थ्री, ये हो गया कम्प्लीट। तो ये एक्सरसाइज छोटा है, हम लोग जल्दी से इसको कम्प्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन में हम लोग इसको बना लेते हैं, इसमें भी माइनस है तो यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं टू थ्री, तो ये बड़ा है तो माइनस होने वाला नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ हो गया फोर और यहाँ हो गया वन आया और टू पहले से था, ट्वेल्व हो गया थ्री तो नाइन, और यहाँ पे फोर, ये तो माइनस होने वाला नहीं है तो यहाँ से लिया तो ये टू हो गया और यहाँ पे आ गया वन, फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स तो एट बच जाएगा, और टू में से फोर नहीं होने वाला है तो यहाँ से लिया, ये हो गया जीरो और यहाँ पर आ गया वन, ट्वेल्व हो गया फोर, इस यहाँ पर बच गया एट, अब जीरो, ये भी माइनस होने वाला नहीं। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से कैरी लेते हैं टू से, तो यहाँ पे बच गया वन और यहाँ आवश्यकता नहीं है इसलिए यहाँ नाइन और यहाँ पे वन आ गया, अब टेन हो गया, टेन में से टू तो यहाँ फिर एट बचेगा, नाइन में से जीरो तो नाइन, और यहाँ पे वन है, फोर माइनस करना है, होने वाला नहीं है, यहाँ से कैरी लेंगे तो बचेगा सेवन और यहाँ आएगा वन तो एलेवन हो गया, एलेवन में से फोर तो सेवन, सेवन बचेगा सेवन और सेवन में से टू तो फाइव, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं, तो टेन में क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन है ये, और टेन में क्या कह रहा है इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये नंबर दिया हुआ है एंड इसमें, ये दोनों नंबर में डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर को घटाने के लिए बोल रहा है, चेक द आंसर, और आंसर को चेक भी करना है, यहाँ सिर्फ घटाना नहीं है, अपने आंसर को चेक करना है, प्रूव करना है कि आप जो बनाए हैं वो आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए आप ध्यान रखें कि जो बड़ा नंबर है वो रहेगा ऊपर में और जो छोटा नंबर है वो रहेगा नीचे, तो यहाँ पे बड़ा नंबर को सिक्स से शुरू हुआ है तो इसको मैंने ऊपर रखा है, और ये फाइव से जो शुरू हुआ है उसको नीचे रखा है, तभी ये घटेगा। तब यहाँ पे घटाते हैं हम लोग, टू में से नाइन घटाना है तो घटने वाला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ जीरो हो गया और यहाँ पे वन आ गया, ये टू पहले से है, ट्वेल्व हो गया, नाइन, ट्वेल्व में से नाइन गया तो थ्री, थ्री और जीरो में से जीरो तो जीरो, थ्री में से सिक्स नहीं घटने वाला है तो यहाँ से कैरी लिए तो ये हो गया एट, और यहाँ वन आ गया और थ्री पहले से है, थर्टीन हो गया, थर्टीन में से सिक्स चला गया तो बच गया सेवन, एट में से थ्री तो एट में से थ्री जाएगा तो कितना बच गया फाइव, फाइव थ्री एट होता है तो फाइव बच गया, और यहाँ पे हम लोग कैरी कुछ लिए नहीं है तो यहाँ से हम लोग घटा रहे हैं लेकिन ये नहीं घटेगा, तो कैरी ले लिए यहाँ से, ये हो गया फोर और यहाँ पे वन आ गया और जीरो पहले से, टेन, टेन में से एट गया तो टू,
ये हो गया, और 4 में से 4 तो 0 हो गया, और 6 में से 5 1, ये हो गया कंप्लीट। तो इसको हम लोग जांचने के लिए क्या करेंगे, जांचने के लिए इसको और इसको इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हम लोग बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 4 इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। 5 4 8 3 3 6 0 9, ये हो गया। और इसके नीचे जो आंसर आया हो उसको लिखते हैं 10 2 5 7 0 3। इसको करेंगे हम लोग प्लस, जोड़ देंगे इसको, तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि ये सही है कि ये गलत है। 9 3 12 हो गया, तो 2 लिख दिया हम लोग, 1 बच गया, तो ये 1 यहाँ आ गया। 6 7 13 हो गया, तो 13 का ये 3 हो गया, 1 बच गया, तो 5 3 8 और 1 9। अब 8 2 10 हो गया, 0 और 1 बचा हुआ है, तो 4 और 1 5, और यहाँ पे हो गया 6। अब मिलाते हैं हम लोग 6 5 0 9 3 1 2, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। अब ये हो गया कंप्लीट। फिल इन द बॉक्सेस, ये है थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हिसाब है ये, बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। जब मैं बच्चों को बनाने के लिए देता हूँ तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम फील होता है, कई बार वो गलती करते हैं, लंबे समय तक सीखते नहीं हैं। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसको बनाने के लिए थोड़ा कूल माइंड से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या डालना है जो 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ डालेंगे, 6 और 10 अगर आता है तो 0 आएगा, तो 6 4 हो गया 10, तो यहाँ पे हम लोग 4 डाल देते हैं। अब 1 बच गया, 1 बचा हुआ है हाथ में, तो यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ 1 है और ये 4, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 में से क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 5 में से 3 तो आने वाला नहीं है, लेकिन 13 आ सकता है। तो यहाँ पे 8 5 8 5 13 होता है, तो 8 हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 8 और ये 13 का 3 हो गया, तो बच गया फिर 1। अब यहाँ पे फिर 1 बचा हुआ है, तो मेरे पास 9 है, 9 और यहाँ पे 6 है, तो 9 में से कुछ भी जोड़कर हम 6 नहीं ला सकते हैं, लेकिन 16 ला सकते हैं। तो 9 में से क्या जोड़कर 16 ला सकते हैं, अगर 9 में से 7 जोड़ दिया जाए तो 16 आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 7 डालते हैं और ये 16 आ गया, तो 16 अभी भी हाथ में बचा हुआ है, 1 यहाँ पे 1 रखते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो 3 में से कुछ भी जोड़कर 2 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन 12 लाया जा सकता है। तो 3 में से हम अगर 9 जोड़ देते हैं, 9 3 12 होता है, तो 9 जोड़ देते हैं, इसमें आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 9 दे देते हैं, और ये 12 का 2 हो गया, और फिर 1 बचा हुआ है, 1 इधर हम लोग लिखेंगे। अब 6 और 1 7 है मेरे पास, और उसमें से जोड़कर लाना है 3, तो 7 में से जोड़कर 3 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन 13 लाया जा सकता है। 7 में से क्या जोड़ देंगे कि 13 आएगा, 6, तो 6 यहाँ रख देते हैं, 6, तो ये हो गया 13, 13 का 3 हो गया। अब 1 अभी भी बचा हुआ है, यहाँ पे 1 है, तो 9 और 1 10 मेरे पास है, और 8, तो 10 में कुछ भी जोड़कर 8 नहीं लाया जा सकता है, लेकिन 18 लाया जा सकता है। तो 10 में से 8 जोड़कर हम 18 ला सकते हैं, तो यहाँ पे 8 रख देते हैं, 18 आ गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है फिर 1, तो मेरे पास 4 है, तो 4 और क्या जोड़कर 5 लाया जा सकता है, तो 1 अगर हम लोग जोड़ देते हैं इसमें 1, तो आ गया 5। ये इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे 12 नंबर पे जो दिया हुआ है ये है माइनस, ये थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है बच्चों के लिए, खास करके ये मुश्किल होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या इसमें से घटाया जाए कि 3 आ जाए, किसमें से 9 घटाया जाए कि 3 आ जाए, तो 9 3 को अगर हम जोड़ देते हैं क्या होता है 12, तो 12 में से अगर 9 घटाया जाए तो 3 आएगा, तो 12 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 12 तो लिखना नहीं है, 2। तब यहाँ पे 2 लिख दिए, 12 में से 9 3, अब यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया गया है, 1 बच गया। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 में से क्या माइनस करके 4 लाया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इससे कैरी लेते हैं, पता नहीं यहाँ क्या कुछ होगा, तो यहाँ से लिए, तो ये हो गया 11, तो 11 ये 11 है, 11 में से क्या माइनस कर दे कि 4 आ जाएगा, तो 11 में से 7 अगर हम माइनस कर देते हैं तो आएगा 4। अब यहाँ पे यहाँ जो कुछ भी था उससे 1 कैरी लिया गया है, तो यहाँ किसमें से 6 माइनस कर दिया जाए कि 2 आ जाएगा, तो 8 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन उस 8 यहाँ बचा हुआ था और 8 नहीं था, इसका मतलब है कि यहाँ 9 था, तो 9 था, तो इसको हम 9 दे देते हैं। अब यहाँ पे 8 बचा, क्योंकि ये कैरी ले लिया था, यहाँ पे 8 बचा, उस 8 में से 6 माइनस किए तो 2 बच गया, तो अब कैरी वाला सिस्टम यहाँ ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे 5 में से 7, यहाँ तो माइनस होने वाला नहीं है, तो फिर यहाँ से कैरी लेते हैं, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ 5 बच गया, और यहाँ पे हो गया 15, तो 15 में से 7 तो बच गया 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ 5
फाइव में से क्या घटाया जाएगा कि सेवन आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो फाइव में से नहीं लेकिन फिफ्टीन में से हो सकता है। तो यहाँ से कुछ भी हम ले लिए हैं, केरी ले लिए हैं, और यहाँ से फिफ्टीन में से एट अगर माइनस कर दिया जाए तो सेवन बचेगा, और यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे जो होगा उसमें से एक तो केरी ले लिया गया था, तो उसमें से घटाया जाए फोर तो बचेगा सिक्स, तो यहाँ पे हो रहा है टेन, सिक्स फोर टेन हो रहा है, तो टेन में से अगर फोर घटाते हैं तो सिक्स बचेगा। तो टेन यहाँ कैसे रहेगा, अगर एलेवन रहेगा तो, क्योंकि एक यहाँ पे चला गया था तो एलेवन कैसे रहेगा, उसके लिए वन रखना पड़ेगा, वन। अब ये हो गया, ये यहाँ चला गया तो यहाँ जीरो बचा, और जीरो बचा तो फिर यहाँ से ये कैरी लिया और ये टेन हो गया, टेन में से फोर तो सिक्स। तो फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे फाइव किस में से फाइव घटाया जाए कि टू बचेगा, तो सेवन में से फाइव अगर घटाते हैं तो टू बचेगा, तो सेवन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से कैरी लिया गया था, तो यहाँ पर हम एट डालते हैं। अब यहाँ से कैरी लिया गया था तो यहाँ बच गया सेवन, तो सेवन में से फाइव तो टू, तो ये हो गया कम्प्लीट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। और अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को मदद मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से चलते हैं।